हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ओमिक्रॉन। यह है कोरोना का एक नया वेरिएंट। हालांकि कोरोना पिछले साल इसकी पहली लेयर आई थी, फिर इस साल जनवरी फरवरी में भी इसकी सेकेंड लेयर आई थी और अभी एक नया वेरियंट स्टार्ट हुआ है कोरोना का जिसका नाम बताया जा रहा है ओमिक्रॉन। हालांकि इसका भारत के अंदर कोई असर तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के अंदर इसका पहला केस मिल चुका है, ठीक है ना। और जर्मनी इटली के अंदर भी इनके केस मिल रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर अभी ऐसा कोई केस नहीं मिला है। पिछले साल कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आ गए थे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, आयोटा और लैम्बर्ड, और अभी एक नया वेरिएंट आया जिसका नाम बता रहा है ओमिक्रॉन। और बताया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, मतलब जिनको कोरोना की दोनों डोज भी लग चुके हैं उनको भी होने का पूरा प्रमाण बताया जा रहा है, मतलब उनको हो सकता है। ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसमें 50 से भी ज्यादा म्यूटेशन होने की रफ्तार है और ये तेजी से फैलने वाला भी है। इसकी जांच RT-PCR से हो सकती है। इसके जो लक्षण है वो सेम कोरोना के, मतलब इसमें कोई नया कोई लक्षण नहीं मिला है। जो कोरोना के अंदर लक्षण थे वही इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो सावधानी वगैरह जो कोरोना के अंदर रखी गई थी वो सेम इसमें रखनी है, जैसे सैनिटाइजेशन है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सारी इसके अंदर कवर होती है। मतलब जो कोरोना के अंदर बचाव किए थे वो भी इसके अंदर करने हैं, बाकी सेम है। कोरोना का नया वेरियंट आ चुका है जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। आखिर WHO ने ओमिक्रॉन नाम ही क्यों रखा? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अभी तक वायरस के जितने भी वेरिएंट आए वह सभी ग्रीक अल्फाबेट की सीरीज के हिसाब से ही रखे गए हैं। इसमें 24 वर्ड्स होते हैं जिसका 15वां अक्षर ओमिक्रॉन है। इसमें XI और NU जैसे शब्द का यूज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो नाम है शी, जिसका इंग्लिश में XI और NU का न्यू जैसे शब्द आने के कारण इसे WHO ने यूज नहीं किया।